नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गाड़ी स्टार्ट के एक और नए वीडियो में। और गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यूजे मोटर के SRK 400 के बारे में। तो ये वाली जो बाइक है वो एक 400 सीसी की बाइक है और आज की वीडियो में इस बाइक के बारे में डिटेल में बात होने वाली है। और आज की वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि क्या ये वाली बाइक इंडियन मार्केट में और बाइक्स के कंपैरिजन में टिकने लायक है या नहीं। तो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइज, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को तो लाइक करना बनता है। तो चले गाइज, आप बिना आपका समय गवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू। तो यहाँ पर बात करते हैं क्यूजे मोटर के बारे में। तो यहाँ पर ये वाली जो कंपनी है वो आती है गैली ग्रुप के अंदर और ये वही ग्रुप है जिसके अंदर अभी बनेली कंपनी आती है। यहाँ पर जो गैली ग्रुप का हेडक्वार्टर है वो चाइना के अंदर है। और गाइस, अभी हाल ही में क्यूजे मोटर है वो बहुत सारी कंट्री में अपनी बाइक को सेल करता है। और गाइस, शायद इन फ्यूचर में क्यूजे मोटर इंडिया के अंदर भी अपनी एंट्री मारेगा। तो गाइस, आज की वीडियो में हम क्यूजे मोटर की SRK 400 के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के लुक्स के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर इस बाइक के से लुक कुछ इस तरह की है। यहाँ पर आपको उस बाइक के फ्रंट में LED हेडलाइट देखने को मिल जाती है और आपको उस बाइक के रियर में आई शेप LED टेल लाइट देखने को मिलती है। और यहाँ पर ये वाली जो बाइक है वो मार्केट में 5 कलर में अवेलेबल है। बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो यहाँ पर आपको उस बाइक में देखने को मिलता है 399.7 cc इनलाइन 2 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन और आपको इस इंजन से 44.9 PS की पावर देखने को मिलती है, वो भी 9500 RPM पर। और आपको इस बाइक से 37 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल जाता है, वो भी 7000 RPM पर। और यहाँ पर आपको उस बाइक के अंदर 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलता है और इसके अलावा 15.5 लीटर के आपको उस बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। बात की जाए इस बाइक की टॉप स्पीड के बारे में, तो ये वाली जो बाइक है वो 170 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड आसानी से टच कर लेती है। यहाँ पर बात की जाए इस बाइक के फ्रेम के बारे में, तो उस बाइक का जो फ्रेम है वो बेस्ड है क्रेडल स्टील फ्रेम डिजाइन के ऊपर। और यहाँ पर आपको उस बाइक के फ्रंट में टेलीस्कोपिक अपसाइड डाउन फॉक्स सस्पेंशन देखने को मिलेंगे फ्रंट में और आपको उस बाइक के रियर में यूनिट स्विंग आर्म सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। और गाइस, ये वही सस्पेंशन सेटअप है जो हमें कावासाकी की सुपर बाइक्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें ब्रेक सेटअप के बारे में, तो यहाँ पर आपको उस बाइक के फ्रंट में 260mm की फ्रंट में ड्यूल डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है और आपको उस बाइक के रियर में 240mm की सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी। इसके अलावा राइडर की सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए आपको उस बाइक में काफी सारे राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको उस बाइक के अंदर ड्यूल चैनल ABS ट्रैक्शन कंट्रोल और ऐसे आपको कई सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बात करें टायर साइज के बारे में, तो यहाँ पर आपको फ्रंट में 120mm की फ्रंट टायर की विड्थ देखने को मिलती है और आपको उस बाइक के रियर में 160mm की टायर की विड्थ जो है वो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फ्रंट और रियर में आपको 17 इंचेस के ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गाइस, अगर बात करते हैं इस बाइक के डायमेंशन के बारे में, तो जो भी इस बाइक के डायमेंशन है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे होंगे। बात करें इस बाइक के कंसोल के बारे में, तो यहाँ पर आपको उस बाइक में फुल कलर TFT कंसोल देखने को मिलता है जिसका जो डिजाइन है वो एयरक्राफ्ट के केबिन से इंस्पायर्ड है। और यहाँ पर इस कंसोल का जो इंटरफेस है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर आपको इस कंसोल के अंदर रियल टाइम माइलेज टाइम स्पीड RPM और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस कंसोल के अंदर देखने को मिल जाती है। और गाइस, आपको ये वाला कंसोल कैसा लग रहा है ये तो आपको मेरे को प्लीज कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर बात करूँ सीट के बारे में, तो यहाँ पर आपको काफी छोटी सीट इस बाइक में देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर अगर बात करूँ इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो गाइस इस बाइक का इंडियन करेंसी के हिसाब से 4 लाख के आसपास का प्राइस होने वाला है। और यहाँ पर आपको उस बाइक में अंडर बेली एग्जॉस्ट भी देखने को मिलता है। और गाइस, अगर बात करूँ उस बाइक की इंडिया के अंदर लॉन्चिंग के बारे में, तो ये वाली बाइक अभी 1-2 साल इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं होगी क्योंकि अभी तो इंडिया के अंदर बनेली ने भी पूरी तरीके से सेटअप नहीं किया है। तो गाइस, बनेली को अपनी मार्केट इंडिया के अंदर सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगेगा और जैसे बनेली अपनी मार्केट सेटअप कर लेगा पूरी तरीके से, वैसे गाइस जो गिली ग्रुप है वो इस बाइक को इंडिया के अंदर लॉन्च करने का सोच सकता है। और गाइस, आपको ये वाली बाइक कैसी लग रही है ये तो आपको मेरे को प्लीज कमेंट करके बताना है। इसके अलावा गाइस, आपको मेरे को ये भी कमेंट करके बताना है कि क्या ये वाली बाइक इंडियन मार्केट के अंदर KTM ड्यूक 390, KTM RC 390, TVS Apache RR 310 और ऐसी बहुत सारी बाइक को टक्कर दे पाएगी या नहीं। तो गाइस, ये तो आपको प्लीज कमेंट करके बताना है।
तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइज अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और गाइज हम आपके लिए बहुत सारे बाइक्स की वीडियो लेकर आते रहते हैं, तो गाइज अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइज आपसे बहुत ही जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे।